हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, वेलकम टू प्रियांशु वीलॉग। सो आज का जो टॉपिक है वो आपने सही पढ़ा है, जो टाइटल है वो GIC के रिलेटेड है कि GIC होती क्या है और स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है GIC स्टूडेंट्स की लाइफ में। सो GIC एक प्रोग्राम होता है और अमरवीर जो मेरे फ्रेंड है वो आपको जल्दी से जल्दी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अमरवीर, GIC के बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए स्टूडेंट्स को, कैसे हमें यूज़ करनी चाहिए GIC और GIC के क्या क्या फायदे होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। GIC आपके लिए कनाडा में भगवान के बराबर है, क्योंकि आपका सारा खर्च GIC उठा दिया, आपका रेंट, यूटिलिटी, बस पास, मोबाइल बिल, अकोमोडेशन, सारा A to Z आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो GIC में आ जाते हैं। सो GIC आपका वो कवर अप कर रही है अगर आपको काम नहीं मिलता, और अगर आप अपनी फीस जोड़ रहे हो तो GIC आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देती है। सो मोस्टली तो आप लोग सभी इंडिपेंडेंटली रहोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनको ऐसा होता है कि रेंट नहीं देना पड़ता, तो उनके लिए GIC बहुत बड़ी सेविंग है। सो आप GIC को आप जब GIC अपनी आपको मिलेगी, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी $2,000 की, तो जिस दिन आप बैंक में अकाउंट खुलाओगे उसी दिन आपको मिल जाएगी। प्लस उस $2,000 के बाद एवरी मंथ आपको $670 मिलेंगे। सो वो एक ईयर तक आपको मिलते रहेंगे, तो उतनी देर तक आप अपने दो सेमेस्टर्स कर लोगे, और मोस्टली कॉलेजेस में ड्रॉप होता है तो आपका एक ड्रॉप भी आ जाएगा 4 months का, और उतने में आप अपनी आगे वाली फीसिस निकाल सकते हो। प्लस आप साथ ही साथ काम करोगे, तो जितनी देर तक हमारी GIC आती है तब तक स्टूडेंट सारी फीसें निकाल लेता है। सो उसके बाद उसे सिर्फ अपना करना है, खाना है। सो ये तो क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दो कि कैसे ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपनी बढ़िया क्रेडिट हिस्ट्री बनाए, डेबिट कार्ड यूज़ कम करें। जी, आप खर्चा जितना भी आपको करना है हो सके तो मैक्सिमम आप अपने क्रेडिट कार्ड से करें। जैसे ही आप खर्चते हो उसे शॉर्ट पीरियड में आप उसको पे बैक करें, ताकि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को इम्प्रूव करें। तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छी होगी, अबव 700 है, अबव 750 है, तो आपको अगर कल कोई भी चीज़ लेनी हो तो आपको इजी रहेगा। और मोबाइल भी आप लेते हो उसमें भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। सो मोबाइल तो छोटी चीज़ है, तो ये तो आपको मिल ही जाता है यंग क्रेडिट के ऊपर। और ऐसे आप अपनी चीज़ें लेते रहें, क्रेडिट स्कोर आपका बिल्डअप होता जाएगा। इवन के आप छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी, मैं तो कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से करें। और मोस्टली हमारा GIC का अकाउंट होता है स्कॉशिया में, और स्कॉशिया में ऐसा है कि आपको सीन कार्ड देते हैं। आप एवरी $1,000 आपको कितने मिलते हैं क्रेडिट में, $1,000 मिलते हैं, $1 का एक पॉइंट मिलता है आपको, एक पॉइंट। हाँ, समटाइम्स मोर देन वन ऐसा होता है, कभी कभी आपको बोनस के 4-5 हज़ार पॉइंट आ जाते हैं। सो उसमें 1,000 पॉइंट्स का आपको एक मूवी टिकट होता है फ्री उसके साथ होता मेरे, है मेरे 17-18 हज़ार पॉइंट्स हो गए थे टोटल 18 मूवीज, और मैं इतना यूज़ भी नहीं करता था फिर भी इतना हो गए थे। सो अच्छी चीज़ है, आपके एंटरटेनमेंट में भी हेल्प होगी आपकी, अगर आप मूवी देखना चाहते हो। और वो सीन पॉइंट्स होते हैं वो ना हार्वेस चिकन होता है ना, हाँ जी, उधर भी वो रिडम हो जाते हैं। सो 1,000 पॉइंट्स इज इक्वल टू $10, उसमें आपको फ़ायदा ही फायदा है। ओके, सो इनका जैसे इन्हें $2,000 GIC मिलती है, उसका वो कैसे यूज़ करें और घर से कितने डॉलर्स लेके आए ताकि इनका बैलेंस बना रहे कि इनका ख़त्म ना हो GIC, और क्या सजेशन करोगे कि कोई GIC तो आती ही रहेगी। एक ईयर तक पहले आती है आपको $2,000 मिलेगा। अगर आपको सामने वाला, हर किसी के लिए कोई ना कोई होता ही है कि जो आपको 5-7 दिन तो मिनिमम रखे कनाडा में, उतने में आप अपनी वो GIC निकालोगे, क्योंकि आप 1 ईयर की फ़ीस पे करके आते हो, ये रूल है। सो आपको कोई इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए सारा कुछ ईजी हो गया है। तो आप कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी $2,000 की, उसमें से आप फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट पे कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी अकोमोडेशन लेनी है, कुछ भी ढूंढना हो घर का, ज़रूरी सामान आपने लेना हो, आपने अगर घर लीज पे ले लिया, बेसमेंट ले, आपको ज़रूरी चीज़ें चाहिए, माइक्रो चाहिए, कोई बेड चाहिए, सोफ़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उन पैसों से खरीद सकते हो। प्लस आप अपने सेव रखें, आपकी फ़ीस में हेल्प करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स को इन द क्रक्स आप
थोड़ी गाइडेंस दे दें ताकि वो जीआईसी का सही इस्तेमाल करें, और घर से कितने डॉलर्स लें? घर से उनके ऊपर डिपेंड करता है, अभी तो जैसे 2000 तो आते ही मिल जाना है, और आगे फीस की भी उनको इतनी भरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब 2 semesters गया, मैं तो एक ही भर कर आया था, दूसरी मैंने भरी, अब तीसरी भरी है, सो इनके लिए बहुत ईजी है जो अभी आ रहे हैं। सो 500 से ज़्यादा तो डॉलर लेकर ही ना आए, ओके, क्योंकि आते ही इनको GIC मिल जाएगी। GIC बहुत बड़ी सपोर्ट है, उसी के आसरे है, अगर काम नहीं मिलता या समटाइम्स आपकी पे लेट है, बट GIC आपको एकदम टाइम टू टाइम आती है, उसी मंथ के जिस मंथ के डेट पे आप अकाउंट खुलवाओगे, जैसे मेरा 9 अप्रैल का था, अब मेरी 9 मई को $670 आ जाएंगे जी, तो कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं कि हमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि हमें आए नहीं, उसका कोई डिले होता नहीं है जी, बिल्कुल वो सिस्टमैटिक होता है, पूरा सिस्टमैटिक होता है। तो बैंक का भी बता दीजिए, स्कोशिया और ICICI में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और एजेंट कहते हैं ICICI को ज्यादा करते हैं, ICICI ऐसे कहते हैं क्योंकि इंडियन बैंक है, सो उधर उनका कुछ ना कुछ होता है, कमीशन कह लो जो भी कह लो, बट स्कॉशिया इधर की बैंक है, अच्छी है, आपको सीन कार्ड मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ओके, उसकी ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है, स्कॉशिया की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं हर इलाके में, लाइक 3-4 स्टॉप्स के बाद हर रोड, जैसे हमारी लॉरेंस रोड है ना, उसके हर 4-5 स्टॉप के बाद एक ब्रांच आ जाती है स्कॉशिया की, स्कॉशिया की, जैसे अभी इधर है मार्कम रोड के आगे है, और उसके बाद बिच माउंट पे आती है, रास्ते में और बैंक्स हैं, उनकी भी ब्रांचेस आती हैं, RBC की भी आती हैं, इधर आकर आप अपनी GIC ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, जैसे ICICI में लेकर आए तो उसे आपने स्कॉशिया में कर लिया, RBC में कर लिया, BMO में कर लिया। सो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो GIC के रिलेटेड, तो अमरवीर को फॉलो करना, और ये आपकी हेल्प कर देंगे क्योंकि इन्हें 7 months हो गए हैं और थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गए हैं, मुझे तो 1 week ही हुआ है, तभी मैंने सोचा क्यों ना अमरवीर के साथ वीडियो बनाई जाए और अमरवीर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जब हो जाएगा तो फिर मैं अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूंगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अमरवीर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके टर्न ऑफ नोटिफिकेशन बेल को चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा मटेरियल आ रहा है, नया नया स्टफ आ रहा है, हाँ, हमने शेड्यूल लगाया, और हफ्ते में 2 videos आएंगे, एक वेडनेसडे को आएगी, एक संडे को आएगी, पहले बता देता हूँ ताकि आपके माइंडसेट में रहे कि आने वाली है वीडियो। सो गाइस, अच्छी लगी वीडियो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपना क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आप क्वेरी हो मुझे टेक्स्ट कर दें, इनको टेक्स्ट कर दें, कमेंट कर दें, हम रिप्लाई करेंगे। ओके ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।